एक बार एक शिष्य बहुत ही दुखी था। जब भी वो भिक्षा मांगने के लिए आसपास के गांव में जाता तो उसे वहाँ दुख, दर्द, तकलीफ दिखाई देते। यह सब देखकर वह बेचैन रहने लगा। ईश्वर से प्रार्थना करता कि सबको सुख खुशी दे और शांति दे। एक दिन उसके मन में यह प्रश्न उठा कि क्यों इस दुनिया को बनाने वाले ने इन सबको दुख दिया है, क्यों नहीं वह सबको सुख दे देता। यह प्रश्न लेकर कि क्यों चारों तरफ दुख ही दुख है, इस दुनिया को बनाने वाला क्यों इन सबको सुख और खुशियाँ दे देता। मैं बहुत दुखी हूँ और बेचैन हूँ, इन सबको दुख देखकर मैं जब आसपास के गाँव में भिक्षा मांगने जाता हूँ तो मुझे वहाँ दुख और तकलीफ के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। हर इंसान किसी न किसी बात से दुखी है, परेशान है, बेचैन है। गुरु ने कहा इन सबको सुख दिया गया है लेकिन इन्हें अपना सुख दिखाई नहीं देता, तो इसमें क्या हो सकता है। शिष्य ने कहा गुरुदेव, अगर सुख होगा तो सुख दिखाई देगा और दुख होगा तो दुख दिखाई देगा। लोग इतने नासमझ तो नहीं हैं कि सुख होने के बाद भी दुखी होने का प्रयास करेंगे। भला सुख दुख कैसे बन सकता है। दुख होगा तभी तो लोग दुखी हैं और परेशान हैं। यह गुरु ने एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे मूर्तिकार हो। तुम एक काम करो, इन लोगों की खुशी के लिए, इन लोगों के सुख के लिए एक ऐसी मूर्ति बनाओ जिसे देखकर सब अपना दुख भूल जाएं, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही। शिष्य ने कहा ठीक है गुरुदेव, मैं एक ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जिसे अगर कोई देखे तो वह अपने दुख और दर्द को भूल जाए, सुखी हो जाए। शिष्य ने 3 महीने तक उस मूर्ति पर काम किया। वह दिन रात पूरी लगन से उस मूर्ति को तराशता रहा। 3 महीने बाद जब उसकी मूर्ति पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई तो वह गुरु के पास आया और बोला गुरुदेव, आपके कहे अनुसार मैंने मूर्ति बना ली है। जो भी इंसान उस मूर्ति को देखेगा अपने दुख दर्द भूलकर खुश हो जाएगा। आप मेरे साथ चलें, उस मूर्ति को देखकर बताएं क्या मैंने सही काम किया है। गुरु शिष्य के साथ उस मूर्ति के पास पहुँचे। मूर्ति सचमुच बहुत सुंदर थी, अद्भुत थी। शिष्य ने एक सुंदर लड़की की मूर्ति बनाई थी जो बिल्कुल देवी की तरह दिख रही थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि कोई भी उसमें खो जाता और अपने दुख दर्द भूलकर प्रसन्न हो जाता। गुरु ने कहा बहुत खूब, बहुत अद्भुत मूर्ति बनाई है तुमने, अवश्य ही यह लोगों को उनके दुख से बाहर निकालने में उनकी मदद करेगी, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम इस मूर्ति के चेहरे पर कहीं पर भी एक ऐसा निशान बना दो जो दिखाई ना दे। शिष्य ने पूछा लेकिन क्यों गुरुदेव। गुरु ने कहा यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। शिष्य ने उस मूर्ति की आग के ऊपर बोहे में एक छोटा सा निशान बना दिया जो दिखाई नहीं दे रहा था। गुरु ने कहा बहुत अच्छे, अब इस मूर्ति को गांव के बाहर वाली सड़क पर रख देते हैं। उस मूर्ति को गांव के बाहर वाले सड़क के किनारे रख दिया गया और गुरु शिष्य कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो गए। गांव वाले उस रास्ते से बाहर आने लगे। जो भी उस मूर्ति को देखता वह दुखी हो जाता। एक जवान व्यक्ति उस मूर्ति को देख रहा था। उसने बड़े ध्यान से उस मूर्ति को देखा, फिर अफसोस करता हुआ आगे बढ़ गया। रास्ते में गुरु और शिष्य ने उसे रोका। गुरु ने कहा तुम बड़े दुखी दिखाई पड़ रहे हो, क्या हुआ। व्यक्ति ने कहा वहाँ एक मूर्ति रखी है, बड़ी सुंदर है,
ऐसा कि देखो तो देखते ही रह जाओ। और अफसोस, उसमें एक कमी है, मूर्तिकार ठीक नहीं था। उसने मूर्ति की आँख के ऊपर एक निशान छोड़ दिया है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। काश अगर वह निशान नहीं होता तो मूर्ति कितनी सुंदर होती। शिष्य ने कहा, वह निशान तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, तुमने कैसे देखा? व्यक्ति बोला, मेरी तो पहली नज़र उस निशान पर पड़ी थी। यह कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। एक दूसरा व्यक्ति उस मूर्ति को देख रहा था, वह भी दुखी होता हुआ आगे बढ़ गया। गुरु और शिष्य ने उस व्यक्ति को भी रोका और उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, वह एक बहुत सुंदर मूर्ति है और मूर्तिकार बेकार आदमी था। उसने मूर्ति के चेहरे पर एक निशान छोड़ दिया है जिसने मेरा मन खराब कर दिया। शिष्य ने पूछा, और वह निशान दिखाई भी नहीं दे रहा है, तुमने कैसे देख लिया? उस व्यक्ति ने कहा, अरे कैसी बात करते हो, मुझे तो पूरी मूर्ति में वह निशान सबसे पहले दिखाई पड़ा। शिष्य ने कहा, क्या तुम उस निशान को छोड़कर सिर्फ मूर्ति नहीं देख सकते? क्या हुआ अगर उसमें एक छोटा सा निशान है? धीरे धीरे सभी गांव वालों ने वह मूर्ति देखी और सभी दुखी हो गए। शाम होने पर आखिर में राजा भी अपने रथ में सवार होकर वहां से निकला। उस मूर्ति को देखकर अचंभित हो गया कि इतनी अद्भुत मूर्ति रास्ते पर क्यों खड़ी है, इसे तो महल में होना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर में वह भी दुखी हो गया, उस मूर्ति को छोड़कर आगे बढ़ गया। गुरु और शिष्य ने उसे रोका। गुरु ने राजा से पूछा, राजन आप दुखी क्यों हैं, क्या मूर्ति सुंदर नहीं है? राजा ने कहा, मूर्ति तो बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें मूर्ति के ऊपर जो निशान है वह सही नहीं है, मूर्तिकार ने गलती करी है, इसलिए मैं दुखी हूँ। काश अगर वह निशान नहीं होता तो यह मूर्ति मेरे राज दरबार में शोभा बढ़ा रही होती। यह कहकर राजा भी वहाँ से चला गया और गुरु और शिष्य दोनों मूर्ति के पास पहुँचे। शिष्य ने बड़े ध्यान से मूर्ति को देखा, मूर्ति बहुत सुंदर थी, उसमें कोई कमी नहीं थी और ना ही वह निशान दिखाई दे रहा था, जिससे बड़ा अचंभित था। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव मूर्ति में तो कोई कमी नहीं है, पूरी मूर्ति अद्भुत है और दिव्य स्वरूप है, एक छोटा सा निशान ही तो है और वह भी ऐसा कि दूर से देखो तो दिखाई ना दे, बहुत पास से आकर देखोगे तब भी बहुत ध्यान देने पर ही दिखता है, फिर सारे लोग उसे छोटे से निशान के पीछे ही क्यों पड़े हैं, इन्हें बाकी की इतनी सुंदर मूर्ति क्यों नहीं दिख रही है? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, तुम पूछ रहे थे ना कि दुनिया बनाने वाले ने दुख क्यों दिया है, उसने सुख नहीं दिया, उसने तो इन्हें सुख देने की सारी व्यवस्था की थी, यह सब पूरी मूर्ति नहीं देखते, यह कमी देखते हैं, यह पूरा सुख नहीं देखते हैं, उसमें छोटा सा दुख ढूंढने में लगे रहते हैं, जैसे तुम्हारी मूर्ति में इन्होंने सुख की बजाय दुख ढूंढ लिया, अर्थात मूर्ति की दिव्यता देखकर खुश होने की बजाय एक छोटी सी कमी देखकर दुखी हो गए, ऐसे ही इनके पास सुख और दुख है, लेकिन यह उस दुख में खोए रहते हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जैसे मूर्ति में एक छोटा सा निशान का कोई वजूद नहीं है। शिष्य ने प्रश्न किया, लेकिन यह ऐसा क्यों करते हैं गुरुदेव? गुरु ने कहा, बेचैन मन के कारण, यह सब बेचैन है, यह कभी भी पूरी मूर्ति देखते ही नहीं, कभी भी अपना पूरा सुख देखते ही नहीं, यह देखते हैं एक छोटी सी कमी और यह सुख के बीच दुख देखते हैं, यह पूरी दुनिया विराट सुख को छोड़कर छोटे छोटे दुखों को पकड़कर बैठी रहती है, वही उनकी जिंदगी है और वही उनकी दुनिया है। अगर यह ध्यान से देखें तो बनाने वाले ने हर चीज़ में इनके सुख
के लिए ही बनाई है। ये नदियाँ, ये पहाड़, हरी भरी प्रकृति, स्वादिष्ट फल भोजन, रिश्ते नाते, धन संपदा, हर चीज़ इनके सुख के लिए बनाई गई है। लेकिन ये हर चीज़ में अपने लिए दुख ही ढूंढ लेते हैं और दुखी रहते हैं। जिस प्रकार उस मूर्ति बनाने वाले को सभी दोष दे रहे थे, उसी प्रकार इस दुनिया बनाने वाले को भी ये लोग दोष देते हैं। जबकि इसमें गलती किसकी है? मूर्तिकार की। यह मूर्ति को देखने वाले की शिष्य ने कहा, गुरुदेव इन्हें सुख मिलेगा क्या? कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती। गुरु ने कहा, मैंने बताया ना, सुख तो इन्हें पहले से ही मिला हुआ है। इन्हें वह छोटी सी कमी छोड़कर पूरी मूर्ति देखनी हो तभी तो इन्हें अपना पूरा सुख दिखाई पड़ेगा। इसके लिए इन्हें क्या करना चाहिए? गुरुदेव अपने ध्यान को छोटी सी कमी से हटाकर पूरी मूर्ति पर लगाना चाहिए और यह तभी संभव होगा जब आप बेचैन मन से छुटकारा पाने की कोशिश करें। अपनी समझ को बढ़ाएं, ध्यान करें, ध्यान से मन की बेचैनी कम होती है और शांति आती है। एक शांत मन ही पूरी मूर्ति को देख सकता है। एक छोटी सी कमी नहीं, केवल बेचैन मन ही कमियों को ढूंढता है और दुखी रहता है। शिष्य ने कहा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ गुरुदेव। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।